लव जिहाद की शिकार बनने जा रही हिंदू युवती को राष्ट्रीय बजरंग दल ने बचाया है। सुदेश अलो ने नाम बताकर शादी करने जा रहे शेख अरमान का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने हिंदू लड़की की समाज में घर वापसी की है। घूंघट की संस्कृति छोड़कर गुरखे के काले दुनिया की ओर जा रही थी लड़की। दुर्गा पूजा छोड़कर दरगाह की नमाज को अपना रही थी। लव जिहाद के माध्यम से शेख अरमान माधुरी भोसले को काले गुरखे के साथ काली दुनिया में ढकलने जा रहा था। लव जिहाद क्या है इसकी जानकारी देकर लड़की बहला फुसला के इस्लाम अनुसार शादी करने जा रही थी। जीवन भर लड़की हिंदू बनकर रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। 16 दिसंबर को नागपुर के कोर्ट में जाकर शादी रजिस्टर कर भागने की तैयारी में थे। समय पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने आंखें खोल दी। इस पत्रकार परिषद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के किशोर डिकोनवार, प्रदेश महामंत्री विवेक चकोले, राष्ट्रीय बजरंग दल नागपुर जिला अध्यक्ष अस्मिता भट्ट, राष्ट्रीय महिला परिषद प्रांत अध्यक्ष कौस्तु बावड़े, शहर अध्यक्ष योगेश गायकवाड़, महामंत्री गोविंद शेट्टी, शहर संपर्क प्रमुख कुणाल बारापत्रे, जिला उपाध्यक्ष राजा कटारे, मध्य नागपुर संपर्क प्रमुख राकेश पौनीकर, महामंत्री आदि कार्यकर्ते इस दौरान उपस्थित थे। जय श्री राम। मी किशोर मराठी हिंदी मी किशोर दिकोंडवार आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद महाराष्ट्र गोवा महामंत्री राहणार नागपूर। गेल्या अनेक वर्षापासून लव जिहादवरती राष्ट्रीय बजरंग दल अधिकतर आम्ही काम करतो आहे। माझ्या बाजूला बसलेली ही जी माधुरी भोसले नावाची मुलगी आहे, वय 21 आहे। इच्याशी एका हिंदू तरुणांनी प्रेम केलं, सुदेश म्हणून। त्या सुदेशने इच्याशी प्रेम केल्यानंतर यांचं प्रेम लग्नामध्ये आलं आणि लग्न करत असताना जेव्हा हे लोक कोर्टात गेले, कोर्टानंतर डॉक्युमेंट, कोर्टात लग्न झाल्यानंतर जेव्हा बेशुद्धीच्या हालतमध्ये असताना ही मुलगी, जेव्हा तिच्या घरी माहीत झालं की तो मुलगा मुस्लिम आहे, मुस्लिम असताना तिच्यासोबत धोकाबाजी झाली आहे, धोकादडी झाली आहे, आणि तिने निर्णय घेतला आहे मी जो पाऊल टाकणार होतो माझ्या प्रत्येक जीवनामध्ये, ना जाणे अजून कितीतरी त्यांनी माझ्याशी धोकेबाजी केली असती, कितीतरी खोटं बोललो असतं। या खोट्याच्या माध्यमातून खोट्याचा पर्दाफाश आज इथे झालेला आहे। आम्ही तर गेलेल्या मुलींना परत आणतो, पण ही मुलगी जाणार होती, जात असताना तिला आम्ही थांबवलं आहे। होणारी मुसलमान होणार होती, पण ती आज हिंदू म्हणून सुरक्षित राहणार आहे। आणि आज लव जिहाद ह्या घटनेवरती जास्तीत जास्त लक्ष देऊन भारतामध्ये आमच्या माध्यमातून 165 हिंदू मुलींना राष्ट्रीय बजरंग दलाच्या माध्यमातून, राष्ट्रीय बजरंग दलाच्या माध्यमातून 165 मुलींना त्यांची घर वापसी केली आहे। त्यातून 60-62 हिंदू मुलींना परत त्यांचं लग्न करून देण्याची जबाबदारी सुद्धा राष्ट्रीय बजरंग दलाने घेतलेली आहे। मेरा नाम माधुरी भोसले है और मैं कैसा है ना, एक हॉस्पिटल में एज अ नर्स ड्यूटी करती हूँ। और मेरा एक सुदेश नाम के लड़के से कैसा है ना अफेयर चल रहा था। स्टार्टिंग में तो फ्रेंडशिप थी, बस बाद में अफेयर था। फिर कैसा, हम दोनों ने शादी करने का प्लान किया। घर में ये सारी बातें किसी को मालूम नहीं थी और फ्रेंड सर्कल में भी नहीं थी। तो जब मैंने कैसा वहाँ पे जब पुकारते ना नाम लेके कि भाई शादी के जैसे रजिस्टर करते हैं, नाम लेके पुकारते हैं, तब मेरे को पता चला कि ना वो मोमेडियन है करके, उसके पहले नहीं मालूम था। फिर मैंने कैसा, मैंने सोची कि जो बंदे ने पहले ही अगर विश्वास दिखा था तो शायद मैं पहले भी करती, लेकिन उसने विश्वास नहीं। आज अगर वो धोखा दे सकता है तो कल भी धोखा दे सकता है, इसलिए ये सोच के फिर मैंने बोली कि मेरे को शादी नहीं करनी है। वही कि मैंने क्लियर कर देना है ना कि मैंने शादी नहीं करना है करके, नहीं ही करना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।